आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। देखिए यहाँ एक डरपोक सरकार बैठी है, सीनेट का इलेक्शन दो बार आगे ढकल दिया, अभी दो दिन के बाद इलेक्शन है, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी हो गई। हमारे कार्यकर्ता जो शिवसेना के युवा सेना के हैं, ये सीनेट का निवडणूक जीतने जा रहे हैं, सभी सीटें 100% विजय हमारा है। ये खबर आने के बाद ये सरकार डरी है, शिंदे की सरकार डरपोक, उसने पूरा चुनाव का खेल ही खत्म कर दिया। ये दूसरी बार हुआ, एक तो अपने में खुद में हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। ये मुंबई यूनिवर्सिटी है, देश की और विश्व की सबसे एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी, वहाँ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन जो होता है सीनेट में वो इम्पोर्टेंट होता है, जो यूनिवर्सिटी को एक दिशा दर्शक होता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। लेकिन वाइस चांसलर के ऊपर दबाव लाकर ये आपने सीनेट का इलेक्शन रद्द किया, क्योंकि आपको हारने का डर है। नरेंद्र मोदी जी उनके नेता है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमारा मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आप नहीं ले सकते, 3 साल हो गए। मुंबई यूनिवर्सिटी का चुनाव लेने में आपकी हिम्मत नहीं है, आप कौन सी मुंह से आप बोल रहे हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का काम आगे बढ़ाएंगे। ये डरे हुए लोग हैं, चुनाव को सामने नहीं जाते। जहां ये शिंदे जो है मुख्यमंत्री, जहां पैसों से मत खरीद कर सकते हैं, वहां चुनाव को सामने जाता है। जहां ईडी सीबीआई की ताकत चलती है, वहां ये लोग चुनाव को सामने जाते हैं। सीनेट में जो वोट करते हैं वो बहुत ही बड़े स्थानक होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, हाँ यंग युवा पीढ़ी है, वो खरीद नहीं जा सकते, तो वहां उनका कुछ चलता नहीं, तो चुनाव रद्द कर दिया। ये खेल चल रहा है हमारे देश में।